न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उलक रहमान। आपको बता दूं दर्शकों, ग्यारहवीं मामले को लेकर इस वक्त एएसआई के सर्वे होने पर सीधे तौर पर जो है दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ता नजर आ रहा है। दरअसल मुस्लिम पक्ष के कई बड़े दावे और खास करके इस समय ये कहा जा रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट आने से पहले ही कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और कई राजनीतिक विद्वान ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इस मामले को इतना ज़्यादा तूल दिया जा रहा है और इस मामले को जिस तरीके से टीवी डिबेट्स में लगातार आप देख रहे हैं, न्यूज़ चैनलों में जो गोदी मीडिया है वो लगातार कहीं ना कहीं इसको दिखाकर, इस पर डिबेट करवा कर माहौल को जो है तैयार कर रहा है 2024 के लिए। ये गंभीर आरोप जो है वो मुस्लिम पक्ष और कई राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा भी लगाए जाते रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर एएसआई के सर्वे को लेकर के तमाम डिबेट्स करवाई जा रही है, फिर इस ढंग से इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर यहाँ पर राजनीति गरमा रही है, तो दरअसल इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है और इसको लेकर के सीधे तौर पर जो आर पार की लड़ाई की स्थिति बन रही है। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जितनी पुरानी मस्जिद है ज्ञानवापी, उसको लेकर के इस तरीके का विवाद, ख़ास तौर से जो है वर्शिप एक्ट जो है उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हवाला दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि दरअसल उसके बाद जो भी इबादत गाह है पूरे भारतवर्ष में, उसकी जो स्थिति है उसको उसी ढंग से बनाए रखा जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं किया जाएगा। इस ढंग से लगातार इसको लेकर के जो है तमाम सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के जो सियासी ताना बाना बिगड़ता चला जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं सभी की नज़रें बनी हुई है, गड़ी हुई है कि कहीं ये पूरा राजनीतिक जो एंगल वो बवाल के रूप में ना फट पड़े और उसके बाद कहीं ना कहीं देश में फिर से एक बार जो है वो कम्युनल एंगल एजेंडा को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और राजनीति करने ना लगे। इसको लेकर के तमाम बड़ी नज़रें बनी हुई। अब देखते हैं कि एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट को सौंपे जाने पर कोर्ट का आदेश क्या होता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्शन न्यूज़ के साथ।